Yeah, in today's class, what I have for you, I have for you some MCQs on the Merchant of Venice. और इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं करीब 50 क्वेश्चंस जो है आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस पे कराया था, और उसी में से कुछ क्वेश्चंस आज मैं फिर से लेके आया हुआ हूँ। और जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एंटोनियो इज, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड वी नो इट वेरी वेल कि क्या है। एंटोनियो इज थीफ, बार्ड, बेगर, अ मर्चेंट। एंटोनियो इज अ मर्चेंट। अ मर्चेंट इज द राइट आंसर कि एंटोनियो इज अ मर्चेंट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और यू कैन से कि सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन टू है, बैसानियो वॉन्ट्स टू मैरी पोर्सिया फॉर वॉट रीजन। बैसानियो जो है मैरी करना चाहता पोर्सिया से, उसके पीछे क्या कारण है। बिकॉज ही लव्स हर, क्योंकि वो उसको लव करता है। बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। बिकॉज ही इज लोनली, वह अकेली, वह अकेला है। बिकॉज शी हैज मनी। दो का आपका डी आंसर सही होगा, लास्ट वाला। उसके पीछे रीजन ये है कि बैसानियो का जो इरादा है वह केवल पोर्सिया के पास पैसा है। इस चीज को ध्यान में रख करके बैसानियो वांट्स टू मैरी हूम, बैसानियो वांट्स टू मैरी पोर्सिया, बिकॉज शी हैज मनी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट डज एंटोनियो हैव टू डू इन ऑर्डर फॉर बैसानियो टू रिसीव मनी। व्हाट डज एंटोनियो हैव टू डू, एंटोनियो को क्या करना पड़ता है इन ऑर्डर फॉर बैसानियो टू रिसीव मनी, कि बैसानियो को पैसा मिल जाए। चूंकि बैसानियो के पास पैसा नहीं है, और बैसानियो के एक तरह से कहा जाए पेटर, या एक तरह से कहा जाए गॉडफादर कौन है, एंटोनियो है। एंटोनियो पोर्सिया से शादी करने के लिए, सॉरी, बैसानियो पोर्सिया से शादी करने के लिए एंटोनियो से पैसा मांगता है। लेकिन इस समय एंटोनियो के पास भी पैसा नहीं, और एंटोनियो कहता है कि तुम वेनिस के किसी भी सौदागर से पैसा उधार ले लो, जब मेरी जहाज वापस आ जाएगी तो मैं वापस कर दूंगा। तो वो किसके पास जाता है, शायला के पास जाता है। शायला कहता है ठीक है, मैं पैसा तो तुम्हें दे सकता हूँ उधार या कर्ज के रूप में, लेकिन जो है आपको एक बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर कराना पड़ेगा अपने पेटर, अपने गॉडफादर एंटोनियो से, कि अगर वो मेरा पैसा टाइम पे नहीं वापस कर पाते तो मैं 1 पाउंड फ्लेश, 1 पाउंड मांस उनके शरीर से मैं निकाल दूंगा। ये चीजें। अब उसके बाद क्वेश्चन उसी कहानी को लेकर के बुना गया है, व्हाट डज एंटोनियो हैव टू डू, एंटोनियो को क्या करना पड़ता इन ऑर्डर फॉर बैसानियो टू रिसीव मनी, कि बैसानियो को पैसा मिल जाए। ही मस्ट प्लेज हिज ओन कोलेटरल फॉर द लोन, वह अपने सहयोगियों से जो है प्लेज करता है, रिक्वेस्ट करता है कि इसको पैसा दे दे। ही मस्ट प्रॉमिस टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, वह प्रॉमिस करता है वह क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ही मस्ट सेल सम ऑफ हिज शिप्स, उसको अपनी कुछ जहाजें बेचनी पड़ती है। ही मस्ट प्रॉमिस हिज डॉटर इन मैरिज, वह वादा करता है कि वह अपनी बेटी का की शादी कर देगा। नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ए है, ही मस्ट प्लेज, उसको प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, या हिज ओन कोलेटरल, अपने समान सहयोगियों से फॉर द लोन, लोन के लिए। उसके पास पैसा नहीं है तो जो शर्त रखता है, कौन रखता है, जो शर्त शायलाक रखता है, वह शायलाक की उस शर्त को स्वीकार कर लेता है, और कहीं ना कहीं वह लोगों से प्लेज करता है कि नहीं इसको पैसा दे दिया जाए। तो ही मस्ट प्लेज हिज ओन कोलेटरल फॉर द लोन। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट बिब्लिकल पैसेज डज शायला कोट, वो कौन सा बिब्लिकल पैसेज है जो शायला कोट करता है टू डिफेंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अपने जो वह लोन देता है उस लोन के या उस लोन को जो देता है उस पर जो ब्याज बनता है उस ब्याज के सपोर्ट में। व्हाट बिब्लिकल पैसेज डज शायला कोट, कह रहे कि वो कौन सा बिब्लिकल पैसेज है जो शायला कोट करता है टू डिफेंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स, कि जो लोन्स वगैरह है
उसको जो है डिफेंड करने के लिए। द सीन ऑफ द लास्ट सफर, लास्ट सफर का जो सीन है उसको कोट करता है जैकब रिसीविंग द स्ट्राइप्ड लैम्प फ्रॉम हिज फादर इन लॉ, या वो इस सीन को जो है कोट करता है कि जैकब जो है रिसीव करते हैं एक स्ट्रिप्ड लैम्प फ्रॉम हिज फादर इन लॉ, नोह बिल्डिंग द आर्क, या नोह जो बोर्ड बना रहे हैं उसको, या पायलट वीपिंग जीसस 40 टाइम्स, या किंग पायलट जो है जीसस को 40 कोड़े या 40 टाइम्स जो है वीपिंग कर रहे हैं। तो आंसर जो आएगा वो यही है, जैकब रिसीविंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिब्लिकल पैसेज को शायलाक जो कोट करता है केवल इसलिए कोट करता है कि वह डिफेंड करता है, किस चीज का डिफेंड करता है, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स, कि वह जो लोन ले रहा है उस लोन को, सॉरी वह जो पैसा लोगों को उधार देता है उस पे वह जो इंटरेस्ट लगाता है, तो अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए, अपने फेवर में चीजों को रखने के लिए, वह कहाँ से जो है वो बाइबिल से पैसेज कोट करता है, और उसमें उसने कौन सा कोट किया, एक जो सीन है या उसमें जो जिक्र है जैकब का कि जैकब एक जो है चित्तीदार स्ट्रिप्ड लैम्ब अपने फादर इल्ला से रिसीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन शाइलाक डिमांड्स अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश, जब शाइलाक डिमांड करते हैं एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लेश का, एज कोलेटरल फॉर द लोन, जो लोन के समय लोन को टाइम से नहीं चुका पाए थे, या जो लोन उन्होंने दिया हुआ था उसके बदले उन्होंने शाइलाक ने जो है एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लेश लेना चाहा, व्हाट डज एंटोनियो थिंक ऑफ दिस डील, इस डील को एंटोनियो कैसे देखते हैं या कैसे सोचते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगा, व्हेन शाइलाक डिमांड, जब शाइलाक डिमांड करते हैं, किस चीज की डिमांड करते हैं, ऑफ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश, कि एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड गोश्त निकाला जाए, एज कोलेटरल फॉर द लोन, व्हाट डज एंटोनियो थिंक ऑफ दिस डील, इस डील को लेकर एंटोनियो क्या सोचते हैं। ही क्लेम्स दैट ही वुड प्रीफर टू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द लोन, वह ये दावा करते हैं कि वह पसंद करेंगे कि वह क्या वह जो भी जो है लोन पे इंटरेस्ट आएगा उसको अदा कर देंगे। ही इज प्लीज्ड एंड रिमार्क्स दैट शाइलाक मे समडे बिकम अ क्रिश्चियन, वह यह सोचते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब शाइलाक जो है क्रिश्चियन बन जाएगा। ही थिंक्स शाइलाक वांट्स टू मर्डर हिम, वह सोचते हैं कि शाइलाक उनकी हत्या करना चाहता है। ही इज मॉर्टिफाइड एंड रिफ्यूजेस टू एग्री द लोन, वह जो है जो एक तरह से बॉन्ड पेपर का की रहती है उसको इनकार कर देते हैं और लोन लेने से इनकार कर देते हैं। नहीं, जो कुछ भी उनके माइंड में ये चलता, सेकेंड पॉइंट, ही इज प्लीज, वह खुश है, एंड रिमार्क्स और स्टेटमेंट देते हैं दैट शाइलाक में सम डे बिकेम अ क्रिस्टियन, कि हो सकता है एक दिन शाइलाक भी क्रिस्टियन बन जाए। तो जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या है, जब शाइलाक डिमांड करता है अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश, की वह एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लेश लेगा एज कोलेटरल फॉर द लोन, जैसा कि लोन के नाम पर ये चीज जो है एक एक बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर हुआ है और इस तरह की चीजें। व्हाट डज एंटोनियो थिंक ऑफ दिस डील, इस डील को लेकर एंटोनियो क्या सोचते हैं। एंटोनियो को दिमाग में आता है कि ये जो है ये ज्यूज है, पैसा जो है लोगों को इंटरेस्ट पे देता है, लेकिन हो सकता है कि एक समय ऐसा है जब एक क्रिश्चियन बन जाए और क्या करे, इस तरह की गलत हरकतें छोड़ दे, किसी को सूद पर या ब्याज पर पैसा वो ना दे, ऐसा उसके अंदर सुधार हो सकता है। तो 5 का जो दूसरा पॉइंट है वह उसको लेकर के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, When the play begins, Antonio and Portia can best be described as, जब प्ले शुरू होता है तो एंटोनियो और पोर्सिया को कैसे दिखाया गया, एम्बिग्यूस, करप्ट, हैप्पी, डिप्रेस्ड, दोनों डिप्रेस्ड कंडीशन में है, एक अपनी शादी को लेकर के जो है जब प्ले शुरू होता है तो एंटोनियो और पोर्सिया को कैसे जो है एक डिप्रेशन की कंडीशन में दिखाया गया है कि वे डिप्रेस्ड है। हु इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस,
जो टाइटल रखा गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस का हो रहा है, बैसानियो, शाइलाक, एंटोनियो, पोर्सिया, वो जो है आपका कौन है, एंटोनियो। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो वर्ड आया हुआ है वो किसके लिए आया हुआ है, एंटोनियो के लिए। द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट आर लाइक देयर ऑफ इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड व्हाट मेटाफर्स थ्रू आउट द प्ले करेगी। जो ब्याज चार्ज किया जाता है, द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, जो ब्याज चार्ज किया जाता है, आर लाइक देयर ऑफ, या जो एक कमी दिखाई जाती है, इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड, उसको अच्छे ढंग से किस मेटाफर के माध्यम से थ्रू आउट द प्ले, संपूर्ण प्ले में करे। द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, जो जो है इंटरेस्ट पे जो चार्ज लगाया जाता है जब किसी को लोन के रूप में पैसा देते हैं, तो शाइलाक जो उनसे ब्याज लेता है, उस ब्याज को सबसे अच्छे ढंग से किस मेटाफर के रूप में, पूरे references to inheritance and marriage, ships and merchant activities such as shipping, silk and tea, sheep imagery such as ewes, wethers and fleeces. This sheep imagery के थ्रू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, sheep imagery के थ्रू उस चीज को प्रेजेंट किया गया, शीप इमेजरी को मेटाफर मान करके, और ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि जो प्याज पे पैसा वहां पे लिया जाता है या दिया जाता है, उसको दिखाया जा रहा है। व्हाट कंडीशन मस्ट द प्राइ द प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री टू बिफोर ही मे चूज, करें कि कौन सी कंडीशन, व्हाट कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को एग्री, किस हालत में प्रिंस ऑफ मोरक्को सहमत होते, टू बिफोर ही मे चूज फ्रॉम अमंग द कास्केट्स, यदि अगर वह कोई कास्केट चूज करते हैं तो उनके साथ क्या होगा, दैट इफ ही चूजेस रॉन्ग ही विल नेवर मैरी, अगर वह गलत कास्केट चूज करते हैं तो उनकी कभी पोर्सिया से ही विल नेवर मैरी, वह कभी शादी नहीं करेंगे। That if he choose wrong, he will give Portia all his wealth and live forever. यदि वह गलत कास्केट चूज करते हैं तो वह पोर्सिया को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। He will give, sorry, वो पोर्सिया को अपना सारा संपत्ति और सब कुछ जो है पोर्सिया को दे देंगे। That if he chooses wrong, he will have to marry a woman of Portia's choosing. यदि अगर वह गलत कास्केट चूज करते हैं तो उन्हें जो है एक ऐसी वुमेन से शादी करना पड़ेगा जिसको पोर्सिया चूज करेगी। दैट इफ ही चूज अ रॉन्ग, या अगर वह गलत चूज करते ही विल किल हिमसेल्फ, वह अपने आप को मार देंगे। नो, ये चीजें हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को कहते हैं कि अगर वह गलत कास्केट चूज करते हैं तो वह जीवन में शादी नहीं करेंगे। दैट इफ ही चूज अ रॉन्ग, यदि वह गलत कास्केट चूज करते हैं तो ही विल नेवर मैरी, वह कभी शादी नहीं करेंगे। गोबो अराइव्स विद अ प्रेजेंट फॉर शायला, गोबो एक जो है उपहार के साथ आता है शायला के लिए। व्हाट इज, ये क्या है, बाउबलस, गोल्ड, स्वीट बेब्स, डब्स, जो गोबो है वह एक उपहार के रूप में लाता है और क्या है, दैट इज डब्स। लांसिलाट लीव्स शायला, लांसिलाट जो शायला को लीव कर देता है, टू बिकम हूज सर्वेंट, किसका नौकर होने के लिए, बैसानियों का। कल भी ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कराया था, कैसे रिपीट कराया था, जब लांसिलाट शायलाक को छोड़ देता है तो शायलाक जो है लांसिलाट से कहता है कि तुम बैसानियों के नौकर तो बनने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा दूसरा मालिक भी बहुत तुम्हारे प्रति कठोर होगा, वह कहीं से विनम्र सर्वेंट है, किसका, शायलाक का, वह शायलाक को छोड़ करके किसका सर्वेंट बन जाता है, बैसानियों का। लारेंजो एंड जेसिका डू डू व्हाट ड्यूरिंग द मास्क, कह रहे कि लारेंजो और जेसिका क्या करते हैं मास्क के समय, परचेज अ मंकी, वे मंकी खरीद,
राइट इट बैक टू शाइलाक्स हाउस और शाइला के घर में वापस लाते हैं। बिकम ड्रंक विद अदर रेवलर्स, वे जो है क्या करते हैं, ड्रंक हो जाते हैं। गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट एंड रिफ्यूज टू स्पीक टू वन अनदर, वे एक दूसरे से बहस करते हैं और इनकार कर देते हैं एक दूसरे की बात को सुनना। दे रन अवे फ्रॉम शाइलाक्स हाउस, वे शायलाक के घर से भाग जाते हैं। टेकिंग अ ग्रेट डील ऑफ गोल्ड, और अपने साथ बहुत सारा गोल्ड ले जाते हैं। एंड वैल्यूएबल, और तमाम कीमती सामान ले जाते हैं विथ देम। ये चीज सही है, ये वाला डी। कैसे जब लॉरेंजो और जेसिका इलोप करते, चूंकि जेसिका उसकी बेटी है शायला की और लॉरेंजो उसके यहाँ सर्वेंट है। लॉरेंजो क्रिश्चियन है, जेसिका ज्यू है। तो वो जब वे दोनों वहां से क्या करते हैं कि मास्क धारण करते हैं अपने चेहरे पर, अपना चेहरा छुपा करके जब वो निकलते हैं, एक टॉर्च बियरर के रूप में काम करता है जेसिका उसके लिए। तो वो क्या करते हैं वहां अपने फादर के घर से, जेसिका अपने फादर के घर से बहुत सारा गोल्ड और वैल्यूएबल चीजें लेकर के भाग जाती, इलोप कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉरेंजो एंड जेसिका डू व्हाट ड्यूरिंग द मास्क। अभी यही मैंने क्वेश्चन वो किया था, दे रन अवे, वे भाग जाते हैं कहाँ से, फ्रॉम शाइलॉक्स हाउस, टेकिंग अ ग्रेट डील ऑफ गोल्ड एंड वैल्यूएबल विद देम। हाउ इज जेसिका ड्रेस्ड व्हेन शी रन्स अवे फ्रॉम शाइलॉक, जेसिका कैसे ड्रेस है जब वह शाइलॉक के घर से जाती है। जेसिका इज ड्रेस्ड एज अ मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज अ क्लाउन, एज अ मैन, एज अ क्वीन, इन अ वैल्यूएबल ड्रेस, एज अ मैन। हाउ इज जेसिका ड्रेस्ड, जेसिका कैसे ड्रेस्ड है, व्हेन शी रन्स अवे फ्रॉम शाइलाक, जब वह शाइलाक के घर से जाती है, एज अ मैन। द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेस विच कास्केट, करे प्रिंस ऑफ मोरक्को कौन सा कास्केट चुनते हैं, लीड का, गोल्ड का, ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, गोल्ड का, लेकिन उसको धोखा दिया जाता है। क्वेश्चन 15 है, द सेकंड सूटर, जो सेकंड सूटर है जिसका नाम द प्रिंस ऑफ एरागान, जिसका क्या नाम है, द प्रिंस ऑफ एरागान। एक तो सूटर कौन से थे, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, और दूसरे सूटर कौन है, द प्रिंस ऑफ एरागान। द सेकंड सूटर, जो दूसरे सूटर है द प्रिंस ऑफ एरागान, अराइव्स इन बेलमॉन्ट, वो बेलमॉन्ट में आते हैं एंड चूजेस द सिल्वर कास्केट, और वे सिल्वर कास्केट को चूज करते हैं। व्हाट डज द कास्केट रिवील, कास्केट से क्या क्या है वो, किस चीज का सिंबल है, अ मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ पोर्सिया, अ ब्लिंकिंग इडियट, दिस इज द राइट आंसर, अ ब्लिंकिंग इडियट, दिस इज द राइट आंसर। तो दूसरे स्वेटर का क्या नाम है, प्रिंस ऑफ एरागान, पहले स्वेटर का क्या है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, बाकी आपके जो है शादी किससे होती है, बैसानियों से। ये गोल्ड चूज करते हैं और ये क्या चीज चूज करते हैं, ये बेलमॉन्ट में आते हैं एंड चूजेस द सिल्वर कास्केट, कौन सा कास्केट, सिल्वर कास्केट, और उसमें से क्या निकलता है, ब्लिंकिंग इडियट निकलता है। इन दिस प्ले द फेल्योर टू मैरी इज एनालॉगस टू व्हाट, करें करें कि इस प्ले में अगर कोई फेल्योर हो जाता है शादी करने में तो वो किस चीज का सिंबल है, दैट इज द सिंबल ऑफ द कास्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कास्ट्रेशन का सिंबल है। इन दिस प्ले, इस प्ले में द फेल्योर टू मैरी, अगर कोई शादी करने से चूक जा रहा है तो इज एनालॉगस, वो किसके समान है, इज एनालॉगस टू व्हाट, वो किसके समान है, एक कास्ट्रेशन के समान, कास्ट्रेटेड। लैंसिलाट एंड गोबो मिमिक, लैंसिलाट और गोबो मिमिक करते हैं व्हाट बिब्लिकल सीन व्हेन दे फर्स्ट मीट, जब वे पहली बार मिलते हैं तो लैंसिलाट और गोबो बाइबिल की कौन सी सीन की मिमिक्री करते हैं, पायलट एंड जीसस का, जैकब एंड इजाऊ का, एडम एंड ईव का, डेविड एंड गोलियात का, जैकब एंड इजाऊ। व्हाट इज वन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बेलमॉन्ट एंड वेनिस, बेलमॉन्ट और वेनिस में एक अंतर कौन सा है, द आंसर इज बी, यही वाला है, बिल्कुल क्लियर है, दोनों में अंतर क्या है, बेलमॉन्ट हैज वुमेन प्रेजेंट वेयर एज वेनिस ओनली हैज मेन ऑन द स्ट्रीट्स, बेलमॉन्ट में औरतें भी आपको गलियों में, शहरों में, बाजारों में नजर आ जाएंगी, जबकि वेनिस में केवल मर्द ही नजर आते हैं। यह एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, अगर कभी शहरों का जिक्र किया गया, बेलमॉन्ट का जिक्र किया गया, वेनिस का जिक्र किया गया, क्या डिफरेंस,
तो जो बेलमोंट है वहां पे औरतें भी नजर आती हैं, लेकिन जो वेनिस है वहां पर केवल मर्द ही नजर आते हैं, वेयर एज वेनिस ओनली हैज मेन ऑन द स्ट्रीट्स। शाइलॉक डिलीवर्स हिज फेमस मोनोलॉग हैज नॉट अ जीवाइज। शाइलॉक अपने जो है एक फेमस डायलॉग को डिलीवर करते हैं और कहते हैं कि हैथ नॉट जीव आईज, क्या यहूदियों की आंखें नहीं होती। टू विच कैरेक्टर्स, किस कैरेक्टर से? जेसिका एंड लॉरेंजो, बैसानियो एंड ग्राजियानो, पोर्सिया एंड डेरिसा, दैट इज सोलानियो एंड सालेरियो। दिस इज सोलानियो एंड सालेरियो, दिस इज द राइट आंसर। सोलानियो एंड सालेरियो से वो कहते हैं। What items does Jessica trade for a monkey? कह रहे कि कौन सा आइटम जो है जेसिका लाती है एक मंकी के लिए। A heavy gold chain, gold ducats, a turquoise ring, a turquoise ring लाती है। What items does Jessica trade for a monkey? That is the a turquoise ring. How many ships does You believe he has total you विश्वास ships जो है डूब गई है, that is three ships. After बैसानियो choose the correct casket, जब बैसानियो करेक्ट कास्केट को चूज कर लेता है, what does पोर्सिया give him? पोर्सिया उसको क्या देती है? And tell him never to last, और कहती है इसको कभी तुम खोना नहीं, that is a ring, वह उसको गोल्ड रिंग देती है। How does बैसानियो choose the casket? पैसानियो चूज कैसे कास्केट को चूज करता है? ही रीड्स द इंस्क्रिप्शंस, वह इंस्क्रिप्शंस को पढ़ता है। एंड लाइक्स व्हाट द लीड कास्केट सेज, ही चूजेस ओनली बाय लुक द कास्केट। द राइट आंसर की हुआ, कास्केट को कैसे चूज करता है? ओनली बाय लुकिंग एट द कास्केट, केवल कास्केट पर अपनी निगाह गड़ाए रखता है और उसको चूज करता है। सम स्कॉलर्स हैव इंटरप्रेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन एंटोनियो एंड बैसानियो एज सुपरफिशियल, होमो इरोटिक, डिसइंजीनियस, एब्यूसिव। होमो इरोटिक, दिस इज द राइट आंसर, होमो इरोटिक। कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा है एंटोनियो और बैसानियो के बीच का जो रिलेशनशिप है वो होमो इरोटिक है, मतलब उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो होमोसेक्सुअलिटी का है, इसको उन्होंने लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डज बैसानियो ऑफर शाइलॉक टू ऑफ एंटोनियोस डेब्ट। ये क्वेश्चन कल भी आया हुआ था कि आखिर कितना पैसा बैसानियो ऑफर करता है, किसको ऑफर करता है? शाइलॉक को, टू के ऊपर जो कर्जा है उसे तुम माफ कर दो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, और डोंट टेक 1 pound flesh, 1 pound flesh मत लो और उसको कर दो। तो दैट इज 6,000 ducats, 6,000 ducats, दिस इज द राइट आंसर। कितना पैसा ऑफर करता है? 6,000। और एक क्वेश्चन की दोनों के बीच का संबंध क्या है? होमो इरोटिक। तो टुडे आई डील्ड 25 questions, बाकी मैंने आपको जो है विद आंसर मैंने भेजा हुआ है, जितनी भी स्लाइड्स हैं जो आज 3 फाइलें और भेजी गई उसमें विद आंसर भेजे हुए हैं, आप उन सारे को जब भी मौका मिले तो एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेसियस टाइम।